जी नमस्कार, प्रिंस स्कूल सीकर से मैं प्रकाश बीचर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12th आर्ट स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हो चुका है और एक ऐसी प्रतिभाशाली बेटी जो राजस्थान के सीकर जिले के वाडलवास गांव की धरती से आती है, 98.40 के बेहतरीन शानदार जबरदस्त स्कोर के साथ ये बेटी हमारे बीच बैठी है। आइए जानते हैं इस बेटी से किस प्रकार से इस बेटी का शिक्षा का सफर अब तक आ रहा है। सबसे पहले तो पलक, आपके इस बेस्ट स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मैं 98.4 का स्कोर कर लूंगी। जी जी। पर मैंने बस इतना था कि बस मैंने मेहनत पूरी की थी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन तो मैंने चेक भी नहीं किया था। आधे घंटे बाद पापा आए तो पापा ने बोला रिजल्ट क्या हुआ, तो मैंने बोला कि रिजल्ट तो आप ही देखो, मैंने तो जो करना था कर दिया। जी जी जी। तो फिर पापा ने देखा, फिर उतनी में मम्मा का कॉल आ गया। अच्छा। तो बोला 98.40, तो मैं तो यकीन ही नहीं हुआ कि हो सकता है। भरोसा नहीं था खुद पर? खुद पे भरोसा था पर मतलब इतना ज्यादा मतलब मेहनत पे भरोसा था। मेहनत पर कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाता है और भरोसा अगर दूसरे पर हो तो कमजोरी बन जाता है। खुद की मेहनत पर भरोसा था कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। ये जरूर। तो प्रिंस में कितने टाइम से पढ़ रहे हो? प्रिंस में मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 11th में एडमिशन लिया था। अच्छा, 11th में हॉस्टल में थे क्या? नहीं, 11th में तो मैं डे स्कॉलर थी, पर 12th में सोचा कि अच्छा रिजल्ट आए तो मैं फिर हॉस्टलर बन गई। तो कैमरे के सामने बेटे हो, सही से बोलना। जी सर। प्रिंस के हॉस्टल की कोई आपकी शरारत जो आपने की किसी को पता ही नहीं चली, अब बता दो। सर ऐसे कि प्रिंस के हॉस्टल्स में बर्थडे मनाना अलाउड नहीं है, पर हमने बर्थडे मनाया है। केक भी लेके आए थे। अच्छा, अच्छा, और अच्छे से बलून वलून भी लगाए थे। अच्छा। पर हमारे जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे जो मैडम थी, उस दिन तीन फ्लोर पे बर्थडे थे। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, तो हम टॉप फ्लोर पे थे। हमारे फ्लोर पे मणिपुरी भी रहते हैं और हम भी थे, तो हमने बर्थडे मनाया। मैडम आई नीचे वाले पे, तो हमने सोचा कि मेरी जैसे एक्चुअली मेरी रूममेट है अवंतिका नाम की, तो उसका बर्थडे था। ठीक है। तो फिर हमने मनाने की प्लानिंग किया, फिर उसको हमने वॉशरूम में लॉक कर दिया। तो फिर हमने प्लानिंग किया 2 मिनट में, फिर जल्दी सारे मतलब आस पास वाले आ गए। फिर मैडम की आवाज आई, तो फिर हमने उनको बोला कि मैडम आ रहे हैं। तो मैडम नीचे वालों का केक डस्टबिन में जलवा के चले गए थे और अगले दिन उनको हॉस्टल कंट्रोल रूम में लिखे गए। और हम बर्थडे आराम से सेलिब्रेट करके रात को 2 बजे तक सेलिब्रेट करके मतलब 12 बजे केक काटा था। ठीक है। पर ये पकड़ा नहीं गया। और कोई शरारत? और ये 2-3 बार रिपीट किया है, पर मेरी छवि इतनी सिंसियर थी कि किसी ने मुझे डाउट नहीं किया। अच्छा, आज तक किसी को पता ही नहीं था? नहीं, आज वायरल हो गई तो पता चला। चलो बहुत बढ़िया। प्रिंस की 2 वर्षों की पारी कैसे रही आपकी? मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई बच्चा प्रिंस से जुड़ता है तो मैं सोचती हूँ कि उसका भविष्य सेफ है। भविष्य सेफ है। आपने प्रिंस से क्या क्या सीखा? मैंने प्रिंस से बहुत कुछ सीखा है सर, मतलब शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। बताइए फिर भी। जैसे कि मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग डेवलप मैंने वहीं से की है। मैंने मतलब बहुत बार स्टेज पे एंकरिंग भी की है, न्यूज भी बोली है, जैसे हमारा असेंबली का टर्न होता है तो मैंने बहुत बार किया है। आप बेटी पलक की माताजी श्रीमती गीताजी बगड़िया है जो सीकर नगर परिषद में कलर का काम करती हैं। सबसे पहले तो माताजी आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक्स सर। आगे का क्या सपना देख रहेगा बेटी के? यूपीएससी की है, आईएसआरएस की। बना दोगी? हाँ, हमारे तो यही इच्छा है। अच्छी बात है। तो एक माँ कलरक है तो बेटी आईएसआरएस बनाने का सपना तो रखती है क्योंकि परिवार वाले से एजुकेटेड है। तो सर तो प्रिंस में दो माँ बाप यही सोचता है कि अपने से आगे बढ़े बच्ची। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे बढ़े। बचपन से लेके अब तक की बेटी के परिवार में किस प्रकार रही आप? बहुत अच्छा, ये शुरू से सिंसियर थी, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई में हर चीज में ये सिंसियर थी। अच्छा, हर चीज में सिंसियर थी। तो पढ़ाई के साथ और किस में ज्यादा इसकी रुचि? हर चीज में, पेंटिंग वगैरह, चलो कोई बात में कहीं पे, हर चीज में इक्वल रहती है हमेशा। हमेशा कभी मेरे को ऐसे नहीं एहसास हुआ की इसी गलती हुई, कभी नहीं। आपकी प्रिंस स्कूल के बारे में क्या कहना आपको? बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, तो हॉस्टल सब बहुत ही बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। एक वर्ष तक बेटी हॉस्टल में। हाँ, रही, माँ से दूर रही। कोई शिकायत नहीं रही, कोई शिकायत नहीं रही किसी भी प्रकार। हाँ, मेरे तो बस भरोसा था कि बच्ची सेफ है एकदम से। एकदम सेफ। हाँ। और मैं आकर जाती रहती थी, सप्ताह में 2-3 बार आती जाती रहती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसकी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। थी। बहुत बढ़िया है। तो जो माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते उनके लिए गीता जी आपका क्या सुनते? मेरा तो यही कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ाए और आगे तक पहुंचाए बस। बिल्कुल। हाँ। उन्हें खुला आसमान दो। खुला आसमान दो। लड़की और लड़की में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क बिल्कुल नहीं। समानता रखे आप। हाँ। बहुत बढ़िया बात। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बेटी पलक के पिताजी श्रीमान गुमानाराम जी बगड़िया है, आखिर जानते हैं पिताजी से बेटी के संघर्ष और सफलता की कहानी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। बेटी के 90
8.40 का जो स्कोर है, इसके पीछे का राज क्या है? राज बच्चे की मेहनत है जी, अपने प्रिंस की मेहनत है जी, और हम लोगों का इसके लिए सहयोग। भविष्य के लिए बेटे को आप किस रूप में देखते हो आगे के लिए? भविष्य में देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं। यूपीएससी का सपना है जी, बिल्कुल। प्रिंस में 2 वर्षों तक पढ़ी, तो प्रिंस के बारे में किसने बताया आपको? प्रिंस के बारे में तो आप, हमने सर्च भी किया है और आसपास में भी हमारे बच्चे आते थे पहले भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो अपने पड़ोस में ड्राइवर है, उन्होंने भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा सपना था कि बच्ची अपने प्रिंस में जाए। बिल्कुल। और अच्छा नाम करे और अच्छे नंबर लाए और आगे प्रोग्रेस करे। बहुत बढ़िया गुमान राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। पलक, आपसे जानना चाहूंगा आपकी सक्सेस का जो राज है, किस प्रकार का आपका स्टडी प्लानिंग था, हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में सारगर्भित तरीके से बताइए। जी सर, स्टडी प्लानिंग का तो बस ऐसे है कि जो भी हम करें ना, उसके लिए हम एक बार डिटरमाइंड रहे जी। कि एक होता है कि टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं फिर नहीं करते। मैं बताती हूँ, मैं टाइम टेबल नहीं बनाती, मैं टारगेट टेबल बनाती हूँ कि मेरा ये टारगेट है, ये कम्प्लीट होना ही चाहिए, आज होना है तो होना ही चाहिए। क्या बात है। और टाइम टेबल तो मैं सच बताऊं सर, मैंने आज तक कभी टाइम टेबल वैसे फॉलो नहीं किया, मैं बस टारगेट टेबल ही बना के रखा। और सर मैं मतलब जो आने वाले हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहूंगी कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास करें, और जो भी पढ़ा रहे हैं उनके साथ कंटिन्यूटी बना के रखें। कंटिन्यूटी बना के रखें। आने वाले 5 वर्षों के बाद या 10 वर्षों के बाद के ऊपर सोचे, अगर कल्पना करें तो पलक अपने आप को किस रूप में देखते हैं 10 वर्षों बाद? सर मैं एक डिप्लोमेट बनाना चाहती हूँ, मैं IFS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जय शंकर, मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ। मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी है। क्या नाम है उनका? एस जय शंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। पहले वो डिप्लोमेट थे, वो भी IFS ऑफिसर थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपना आइडियल मानती हूँ। कभी मिले भी हो उनसे? नहीं मिली, पर लग रहा है कि जल्दी मिलूंगी। सपना रहेगा मिलने का। हाँ सर बिल्कुल। तो एक बार पुनः बगड़िया परिवार को बहुत बहुत बधाई करते हुए बेटी पलक को हम सुभाषिस और आशीर्वाद करते हैं प्रिंस परिवार की तरफ से।